क्या बोलेगी? आपको आपका प्यार मिल गया नकु, और क्या मांगेगी? बस तेरे को देख रही है भाऊ कि तू कितना बदल गया है ना नकु। आज के पहले भाऊ मेरे बिना किधर भी नहीं जाता था, पर अभी क्या ना नकु, जब आदमी को प्यार होता है ना तो आदमी एकदम बदल जाता है। तेरे को प्यार होगा ना तो तेरे को भी पता चलेगा। मुझे किससे प्यार होगा? गब्बर सिंह से। अरे मेरे को क्या पता तू किससे प्यार करेगी, तेरे को ही पता होगा ना। मेरी जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा? क्यों, क्या खराबी है तुझमें? समझदार लड़की है, और जो लड़का तुझे नहीं समझेगा वो गधा होगा गधा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं सभी के लिए होगा, तेरे लिए भी होगा। और ये प्यार के बारे में तूने ही तो मुझे समझाया है ना। अब मुझ जैसे आदमी से जिनकी हाथों की रेखाओं में जिंदगी की रेखा तो ऊपर वाला खींचता है लेकिन उसे काट कोई भी सकता है, ऐसे आदमी को अगर कोई अपना सकता है तो फिर तुझे क्यों नहीं? नसीब होता ऐसा, सुप्रियता ही नसीब वाली है। अरे नकु तू ऐसा क्यों बोलती है, जिनके हाथ नहीं होते ना उनका भी नसीब होता है। तू टेंशन नहीं कर, तेरा नसीब मैं बनाएगा। तेरे को कभी भी किसी से भी प्यार हुआ ना तो तू मेरे को आकर बोलना, हम लोग तेरी शादी करवाएंगे। हाँ क्या भाव, एकदम फटाका धूम धड़ाके से या डिजिक 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 डिजिक, ऐसा नहीं बोलने का। पर कुठे गेला होता असरे बाबा, इथे जीव टांगणीला लागला होता। और ये टीका, आई साहब हम मंदिर गए थे। मंदिर ताई, भाव मंदिर गए थे? मंदिर? हाँ रूपा, सॉरी सॉरी। भाव आप अपनी बहनों को बिना बताए मंदिर गए थे?
ये सब कैसे हुआ? ऐसा है, जरा भाव से पूछिए तो सही कि वो मंदिर किसके कहने पर गया था। हमें पता है हमारा बेटा किसके कहने पर मंदिर गया था, पता है हमें। हमारे बहू के कदम सचमुच बहुत शुभ है इस घर के लिए। इस बहाने तुम दोनों साथ तो रहे। तुमने क्या मांगा भगवान से? यही ना कि भाव के साथ तुम्हारा जन्म जन्म तक का रिश्ता रहे। भाऊ एक बात तो बताओ, भगवान से आपने क्या मांगा? बोलो। तेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा। भाऊ लेकिन फिर मैंने सोचा तेरे से कौन शादी करेगा? So cute, na? Aai. तूने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। इसके बदले में तू जो मांगेगी मैं दूंगी। लेकिन कल हल्दी की रस्म है। कल अगर मेरे बेटे को कहीं लेके गई ना तो याद रखना। क्या हुआ? अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही हूँ। घबराओ नहीं, सोचा मुझे बाजी के साथ कुछ काम निपटाना है। एक और बात, आज जैसे तुम मंदिर से अकेली नीचे चली गई थी, आगे से ऐसे मत करना।
सुप्रिया, आज तुमने मेरे चाहने वालों की भीड़ देखी। उसी भीड़ में मेरे दुश्मन भी छिपे हो सकते हैं, और सबकी तरह उन्हें भी अब तक पता लग गया होगा कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। तुझे तो पता ही है कि जो औरत मेरे भाव को धोखा दे, उसके साथ मेरा भाव कैसे पेश आता है। नखून से खरोच खरोच के भाव निकालेगा, भाव निकालेगा, इसे यहीं दफनाएगा। नहीं जाऊंगी। आप आज मंदिर आए, आपने पूजा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हमारे रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। अब तुम सो जाओ, तुम्हारा चेहरा सूख गया है धूप में।